हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार देर से रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विक्रांत रोना, जो कि पैन इंडिया नहीं, ये कि पैन वर्ल्ड मूवी है। ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट 2 आवर 30 मिनट की है। और मूवी की कहानी फोकस करती है कि एक विलेज जिसका नाम है कमरउटो, जहां पर पुलिस वालों का मर्डर हो रहा है। इसीलिए एक पुलिस वाला विक्रांत इस मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है, लेकिन साथ साथ इस गांव में बच्चों के भी मर्डर्स हो रहे हैं। अब ऐसे में इन गांव वालों का कहना है कि इन सारी चीजों के पीछे एक डेमन यानी कि भ्रम राक्षस है। अब आपको और विक्रांत को पूरी मूवी में ये पता लगाना है कि इन सारे किलिंग्स के पीछे ब्रह्म राक्षस है या कोई सीरियल किलर है। इस पर्टिकुलर मूवी की बात करूं तो देखो, 2 साल पहले मैंने रंगी तरंगा नाम की मूवी का रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने उस रिव्यू को देखने के बाद वो पर्टिकुलर मूवी देखा, जो कि सेम डायरेक्टर यानी कि अनूप भंडारी ने बनाई थी, तो शायद आपको इस पर्टिकुलर मूवी यानी कि विक्रांत रोना में वो जो एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से मर जाएगा सेकेंड हाफ आते आते। लेकिन कहानी और कैरेक्टर्स बिल्कुल भी अलग है, उस पर्टिकुलर मूवी से कंपेयर मत करना। इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के बाद मुझे एक्चुअली बॉलीवुड की 2 मूवीज की याद आ गई। अगर आप लोगों ने हम आपके है कौन देखी है, तो आप लोग को पता था कि हम आपके है कौन नदिया के पास, जिसमें हमें सचिन नजर आए थे, उस पर्टिकुलर मूवी का ऑफिशियली रीमेक था। हालांकि मैंने भी नदिया के पार पहले नहीं देखा था, मैंने हम आपके है कौन देखा था, लेकिन मेरे घर वालों ने बताया कि भाई नदिया के पार का ऑफिशियली रीमेक है। और फिर जब मैंने नदिया के पार मूवी देखी तो मुझे पता चला कि यस, नदिया के पार जो कि एक स्मॉल स्केल में बनी थी, तो वही सेम चीज को लेकर उन्होंने बड़े स्केल में हम आपके है कौन को प्रेजेंट किया ऑडियंस के सामने। और बाद में तो फिर रेसिस हिस्ट्री, और वही चीज यहाँ पर हुई, यानी कि रंगी तरंगा जो कि एक स्मॉलर ऑडियंस ने देखी थी। आप ऐसा कह सकते हो मोस्टली कन्नड़ा ऑडियंस ने देखी थी, या कुछ ऐसी ऑडियंस जो कन्नड़ा मूवी को हिंदी में या उनकी लैंग्वेज में या तमिल और तेलुगु ऑडियंस ने देखा था। लेकिन अब जब ये सेम मूवी को एक बड़े स्केल में एज ए विक्रांत रोना प्रेजेंट किया है, तो इसको एक वाइडर ऑडियंस देखेंगी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर रंगी तरंगा नहीं देखी थी, तो उनके लिए विक्रांत रोना एक नया एक्सपीरियंस है, एक नया कॉन्सेप्ट है, और वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो ऑडियंस को बांधे रखता है। लेकिन फॉर मी इट्स अ टोटली, बोलते ना, धोखा हो गया हमारे साथ। लेकिन फिर भी आई हैव एंजॉयड द मूवी। खैर, अगर विक्रांत रोना की पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो भाई इसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, आर्ट डायरेक्शन कमाल का है, और स्टार्ट से लेकर जो एक एटमोसफेयर डायरेक्टर ने यहाँ पर क्रिएट किया, वो आपको बांध के रखता है, वो आपको पूरी तरह से अपने अंदर संभाल लेता है। BGM मुझे बहुत अच्छा लगा, बुंगा पंगा जो उसका BGM था, मतलब वो एक एज ऑफ द सीट रखता है। एंड कैरेक्टर्स की बात करो तो एक ही कैरेक्टर जो आपके दिल को छू लेगा वो है विक्रांत रोना का कैरेक्टर। हालांकि कुछ यूनिकनेस तो नहीं थी, लेकिन जो उस कैरेक्टर का स्वैग था, जो बोलने का तरीका था, जो उसका चलने का तरीका था, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो काफी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड इसके अलावा जितने भी दूसरे कैरेक्टर्स, उनको अच्छी तरह से ही लिखा गया। डायरेक्शन की बात करो तो अनूप भंडारी को अपने उस रंगी तरंगा से बाहर निकल कर आना चाहिए, कुछ नया ऑडियंस को प्रेजेंट करना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई किच्चा सुदीप सर की एक्टिंग लाजवाब है, मतलब उनका एक अलग ही ऐसे लगता है कि हम एक हीरो को स्क्रीन पर देखते हैं, वो उनके प्रेजेंस से हमें फील होता है। एंड जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स थे, उन लोगों ने भी अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। नीरू भंडारी ने भी अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से किया, और उन्होंने फर्स्ट पार्ट में रंगी तरंगा में भी अपने रोल को अच्छी तरह से ही किया था। एडिटिंग की बात करो तो एडिटिंग बहुत ही वर्स्ट की है। फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग कट 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 किया है कि ऑडियंस पूरी तरह से मतलब समझ में नहीं आया, बाल नोचने लगी कि बाकी चल क्या रहा है। एंड उसके अलावा जो उसके सॉन्ग्स थे, हिंदी जो सॉन्ग्स बता रहा हूँ, एक से बढ़कर एक भाई आता है। सिर्फ उस आइटम सॉन्ग को छोड़ के सारे सॉन्ग मतलब निहायत ही बकवास सॉन्ग है। तो अगर वो सारे सॉन्ग्स निकाल देते तो इजीली 15 मिनट इस मूवी के कम हो सकते थे। तो अगर मेकर्स इस मूवी को और भी हिंदी बेल्ट में चलाना चाहते हैं, तो मैं एक एडवाइस देता हूँ, उस आइटम सॉन्ग को हटा के बाकी सारे सॉन्ग को उड़ा दो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि वो एक मज़ा बरकरार रहेगा मूवी देखने का। इट्स अ वन टाइम वॉच फॉर दोज हु हैव सीन रंगी तरंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने रंगी तरंगा नहीं देखी तो आई थिंक ये 2-3 बार आप लोग देख सकते हो। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी में अश्लील कुछ नहीं है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। अश्लील से याद आया, जैकलिन फर्नांडिस का यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल है, ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट का रोल है उनका। लेकिन हाँ, उनका आइटम सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं इस पर्टिकुलर मूवी का रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। अगर मैं रंगी तरंगा नहीं देखता तो मैं इसको डेफिनेटली 8 out of 10 देता। बाय।